मुंबई को एक सपनों की नगरी कहा जाता है, पर इस सपनों की नगरी में किसी के सपने साकार होते हैं तो किसी के सपने टूट जाते हैं। मुंबई के महाराष्ट्र नगर के रेलवे लाइन की झोपड़पट्टी बीएमसी पुलिस द्वारा और रेलवे पुलिस द्वारा तोड़ी गई, और इस झोपड़पट्टी वालों ने जब पुलिस वालों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस वालों ने उन बस्ती वालों पर लाठीचार्ज किया और उनके सपनों का घर उनके आंखों के सामने तोड़ दिया गया। मुझे बताइए कि कल आपके साथ में क्या क्या हुआ? कल हमारा झोपड़ा तोड़ा गया, तोड़ने के बाद हम लोग वहाँ पर गए, बुलडोजर चलाना चालू हो गया, तो हम लोग जाके सब झोपड़पट्टी वाले लोग कि हम ये बुलडोजर चलाना नहीं, ऐसा करके बोला पुलिस लोग को। पुलिस लोग बोला कि हम लोग ठीक है नहीं चलाता है बुलडोजर, थोड़ा देर के लिए रुकाया, फिर हम लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फिर उन लोगों ने चालू किया तो पब्लिक लोग फिर जाके बैठ गए, तो वो लोग ने लाठी मार किया, पुलिस लेडीज पुलिस ने जेंट्स पुलिस ने। तो हवलदार आए, हम लोग सामान के पास में बैठे थे, सामान के पास में बैठे ना वो लोग ने आए, बच्चे लोग को संभारे ना, बच्चे लोग को भी मारे, हमारे को भी मारे, देखो लड़की को भी मारे, देखो छोकरों को मारे, देखो लड़के को भी मारे, इधर इधर मारे, ये सब। आपने उन्हें रोका नहीं? कैसा रोकेगा कोई, अभी भाई लोग को मार रहे, पब्लिक को आए, आदमी को नहीं खड़ा कर रहे, किसको भी डायरेक्ट मार रहे। वो लोग आया मेरे को उठो उठो मौसी उठो करके, मैं अपने उठने को चलने को लगा तो वो पुलिस वाला मेरे डंडा मेरे सिर पे मारा। पहले इन्होंने आपको बताया था कि हम तोड़ने आ रहे हैं? नहीं नहीं बताया, और क्या बोला, पहला नोटिस आएगा जब ही तोड़ेगा ऐसा बोला था, नोटिस आया ही नहीं अने तोड़ने का चालू कर दिया लोग ने। भारत के संविधान में लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान आदमी की मूलभूत सुविधाएं है और यह आदमी को मिलनी ही चाहिए। वो पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ पे आपको घर बांधने नहीं देंगे, तो फिर इसके बाद में आप कहाँ जाओगे? इधर भी नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग इधर 6 साल हो गया, अभी इधर से हम लोग दूसरा जगह जाएंगे उधर से भी यही होगा, हम लोग को उधर से भी यही ऐसे ही भगाएंगे, तो हम लोग कब तक कहाँ कहाँ भागेंगे? एक एक जगह में डेमोलिशन होते रहेगा क्या, तो हम लोग पूरा हिंदुस्तान भागते रहेंगे? सबके पास इलेक्शन का पुरावा है, हर चीज का है हमारे पास। तो आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ का आईडेंटिटी कार्ड है, रेशन कार्ड है। मुंबई जैसे शहरों में लोगों के घर पत्तों की ताश की तरह तोड़े जाते हैं, उन लोगों का आगे क्या होगा इसके बारे में भी नहीं सोचा जाता है। सरकार अपनी कारगर नीति बनाती नहीं है, जिस कारण मुंबई में स्लम बनते हैं और टूट जाते हैं। मुंबई से अमूल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।